नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से एक और न्यू रिक्वायरमेंट के बारे में जानकारी देंगे जो कि नेशनल हेल्थ मिशन की तरफ से रिक्वायरमेंट जारी किया गया है। फ्रेंड, यहां पर लैब टेक्नीशियन पोस्टों के लिए वैकेंसीज आई है, जो कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल होंगे, बिल्कुल इस फॉर्म को अप्लाई कीजिएगा। आपको हम डिटेल्स में जानकारी देते हैं कि सैलरी क्या रहेगा, एज कितना रहेगा, क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, एक्सपीरियंस फॉर्म को फिलअप करेगा या फिर फ्रेशर, डिटेल्स में जानकारी देंगे। साथ ही फ्रेंड, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा और अप्लाई यहां पर ऑनलाइन हो रहा है तो अप्लाई ऑनलाइन कैसे करेंगे, फुल डिटेल्स जानकारी प्राप्त करते हैं। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो फ्रेंड, हम लोग ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर आ चुके हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्य प्रदेश की तरफ से रिक्वायरमेंट जारी किया गया है। फ्रेंड, अगर आप लोग ये पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का, उनसे जुड़ जाइए और वहां पर हम सारा पीडीएफ अपडेट करते रहते हैं हमेशा, तो वहाँ से आप लोग ये पीडीएफ बिल्कुल रूप से डाउनलोड कर सकते हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में। फ्रेंड, बता दूँ कि ये नोटिफिकेशन आप लोग को 23 दिसंबर 2021 को ही जारी किया गया था, लेकिन इसके लिए जो ऑनलाइन करने की जो प्रोसेस है वो आप लोग को 1 जनवरी 2022 से ये फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है। तो बिल्कुल रूप से ये लिंक एक्टिवेट हो चुका है, इसके लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। डिटेल्स मैं आपको दिखा दूं। फ्रेंड, ये जो रिक्वायरमेंट है संविदा पर है, लेबोरेटरी टेक्नीशियन, लैब टेक्नीशियन के लिए, जिनके लिए टोटल पोस्ट की बात करेंगे तो 283 पोस्ट इनके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी की बात करेंगे तो 15,000 पर मंथ यहाँ पर आपको सैलरी मिलने वाला है, जो कि संविदा पर है, इसलिए यहाँ पर एक मुश्त प्रत्येक महीना आप लोग को सैलरी मिलेगा। क्वालिफिकेशन की तरफ चलेंगे तो क्वालिफिकेशन यहाँ पर देख सकते हैं, किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से या इंस्टीट्यूट से आप लोग को BMLT होना चाहिए, या फिर अगर आप लोग DMLT पास आउट हैं तो फिर भी इस फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर एक्सपीरियंस का कोई वैलिड नहीं किया गया, अगर आप लोग फ्रेशर हैं फिर भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। एज क्रिटेरिया की तरफ चलेंगे तो आप लोग यहाँ पर न्यूनतम एज 21 साल रखा गया है, वहीं अगर मैक्सिमम एज देखेंगे तो मैक्सिमम एज आप लोग को 40 साल तक आप अप्लाई कर सकते हैं। और डिटेल्स में देखते हैं वैकेंसीज को, डिटेल्स देखेंगे तो टोटल 283 है। यहां पर जनरल कैटेगरी की बात करेंगे तो पुरुष के लिए यहां पर 52 और वहीं महिला के लिए यहां पर 25 सीट रिजर्व है। इसी तरह से सारा कैटेगरी देख सकते हैं। EWS के लिए यहां पर देख सकते हैं 19 सीट ओपन है, 9 सीट महिला के लिए रिजर्व है। अनुसूचित जाति के लिए देखेंगे तो 68 सीट ओपन है, वहीं महिला के लिए 19 सीट है। इसी तरह से सारे कैटेगरी को मिलाकर के यहां पर 283 पोस्टों के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर दिखाते हैं कि और क्या क्या इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड, आप लोग अगर ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो बिल्कुल लिंक डिस्क्रिप्शन में आप लोग ऑनलाइन कर सकते हैं। आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट है उसका आप लोग अपना PDF बनाकर रखेंगे, क्योंकि वहाँ पर डॉक्यूमेंट भी अपलोड करना पड़ता है। ये चीज़ भी बता दूँ इनके लिए कि लास्ट डेट क्या है, तो लास्ट डेट की तरफ चलेंगे तो 31 मार्च 2022 तक इस फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल दिए ऑफिशियल वेबसाइट का, वहाँ पर जाइए, फटाफट अप्लाई करिए। फ्रेंड, इसी तरह की वीडियो अगर आप लोग आते हैं सबसे पहले आपके पास पहुंचे तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करें और लिंक डिस्क्रिप्शन में ग्रुप में जुड़ जाइए मेडिकल जॉब्स न्यू चैनल पर। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वैकेंसी जैसे ही आएगा सबसे पहले हम आपके लिए वीडियो बनाकर लाएंगे। थैंक यू।